रोयलखंड समाचार। उत्तर प्रदेश के उप चुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें, यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। रोयलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। भाई 5 दिसंबर 2022 को यहाँ विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जो कुछ हुआ शायद आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा होगा और कैमरे में कैद भी किया है। जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही हैं, लोगों के साथ जो सलूक हुआ, उनके हाथ पैर तोड़े गए, कितने लोग अस्पतालों में हैं, कितने लोग ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके हैं, मुस्लिम औरतों के साथ जो बदसलूकी की गई और पूरे शहर में जिस तरह मुसलमानों के वोटों पर डाका डाला गया, पर्चियाँ फाड़ कर बूथों के अंदर जाने से रोका गया, मतदाताओं के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के तमाम रास्तों पर बैरिगेटिंग लगा दी गई, पुलिस पिकेट खड़ी कर दी गई, ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसी बर्बरता, ऐसी इंसानियत दुश्मन हरकतें और प्रशासन की अपने ही शहर के शहरियों और मुसलमानों के साथ इतनी नफ़रत शायद तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई हैं, बहुत सी वीडियो अभी लोगों ने अपलोड भी नहीं की हैं, अभी उसको सामने लाई भी नहीं है, बराबर आ रही हैं। वो खुद पूरी कहानी बयान करती हैं, किस तरह लाठी डंडे लेके पीछे भाग रहे हैं पुलिस वाले, घरों में जा जा कर मार रहे हैं, घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं, गलियों पर कब्जा कर रखा है। यही नतीजा है कि नगर के अंदर जहां 215,000 मतदाता हैं, 251 बूथों के अंदर पुराने शहर में, और उसमें 80-82% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ मात्र 50,000 वोट पड़े हैं, जो 22% उनको वोट डाला है, और वो भी वो रामपुर के जयाले हैं, बहादुर लोग हैं, जो तमाम बुरे हालात के बावजूद, लाठियां खाने के बावजूद वोट डालने में कामयाब हो गए और एक एक वोटर को एक वोट डालने के लिए 4-4 बार अपने 6-6 बार अपने मतदान स्थल तक जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अत्याचार की ऐसी घिनौनी दास्तान रामपुर में लिखी गई है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, यहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए अर्धसैनिक बलों की मिलिट्री की निगरानी में, ताकि लोग अपने वोट आज़ादी के साथ डाल सकें और लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई की जाए। चुनाव प्रक्रिया में हमने संविधान का और अपने नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए भाग लिया है। अगर ये बात पहले हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ जिताना है तो जाहिर है चुनाव प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं लेता, आप जीत का सर्टिफिकेट दे देते, लेकिन हमने भाग लिया है, कल को मतगणना है। अगर चुनाव आयोग हमारी शिकायत, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर गौर करेगा और कल की मतगणना रोक देगा, वरना हम चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह भाग ले रहे हैं हम उसके भागी बनेंगे। लेकिन रामपुर का इतिहास ये बताता है कि ये सीट कभी भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती अगर बेईमानी के साथ, अत्याचार के साथ, लोगों को वोट के हक से महरूम करने के साथ, लोगों को घरों में कैद करके इलेक्शन कराने की नीयत करके, लोगों की हाथ पैर टांगे 10-12% है, दूसरी तरफ पोलिंग 50-60-70-80% है, खुली हुई बूथ कैप्चरिंग है, जिला पंचायत के मतदान केंद्र पर शाम को 7 बजे हमने खुद भी बूथ कैप्चरिंग पकड़ी है, ADM शाक्य जी वहाँ मौजूद थे, मौके पर पकड़ी है,
और वोटर लाइन में खड़े हुए एक शख्स से हमने पूछा कहाँ के रहते हो, तो बताया ज्वालानगर के, ज्वालानगर में रहते हैं। और वो मतदान ज्वालानगर का नहीं था, वो मतदान आवास विकास कॉलोनी VIP कॉलोनी का था। ज्वालानगर उप कृषि निदेशक के कार्यालय का मतदान केंद्र मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ज्वालानगर के बहुत से बूथों पर वो पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुई। जिला परिषद के मतदान केंद्रों पर मुर्तजा स्कूल में कृषि अधिकारी के कार्यालय में जो बूथ है, उन इन बूथों पर जो VIP एरिए के हैं, सिविल लाइन्स के हैं, इतिहास निकाल के देखिए, कभी बोलिंग इतनी नहीं हुई जितनी इस बार बूथ कैप्चरिंग करके वहाँ हुई है। प्रमाण है कि वो बूथ कैप्चरिंग है। हमने सारी शिकायत की है और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।